guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, please take a moment and subscribe to my channel. So guys, I am back with another video. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्ट्रिज पेपर के बारे में. सो अभी तक मैंने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई हैं वो मोस्टली आइवरी पेपर पे मैंने ड्रॉ करी है, और आइवरी पेपर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है. और आज मैं बात करूँगी कार्ट्रिज पेपर के बारे में. तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा रफ होता है. तो ये जो शीट है कार्ट्रिज पेपर, ये आइवरी पेपर से काफ़ी ज़्यादा थिन है और इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा रफ टेक्सचर है. तो हम इसके ऊपर आज ड्रॉ करके देखेंगे कि हम इसके ऊपर कैसा टेक्सचर ड्रॉ कर पाते हैं, इसके ऊपर कैसी ब्लेंडिंग होती है. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन. तो चलिए अब इस पेपर पे हम ड्रॉ करके देखते हैं कि हम इसके ऊपर कैसा स्केच ड्रॉ कर पाते हैं और इसके ऊपर हम कैसी शेडिंग कर पाते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ये कार्ट्रिज पेपर है नील गगन का. और इसके अंदर 25 शीट्स आती है, और इसकी MRP है 66 रुपीज़. और ये A4 साइज की शीट्स हैं. तो देखिए, मैं आपको एक शीट बाहर निकाल के दिखाती हूँ. तो देखिए, आप देख सकते हैं इस शीट का टेक्सचर कितना ज़्यादा रफ है. तो आज मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूँगी ग्रेफाइट पेंसिल्स से. आर्ट लाइन की पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ मैं. तो देखते हैं हम कैसा इसके ऊपर ड्रॉ कर पाते हैं और शेडिंग कर पाते हैं. तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना. Thank you.
सो गाइज कुछ इस तरीके से मैंने सिर्फ एक फेस में शेडिंग करी है, इस तरीके से हम फेस में शेडिंग कर पाए हैं। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड माई एफर्ट्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर फर्दर वीडियोज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।